दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आरबीआई ने एक नई सर्विस लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप छोटे वाले फ़ोन है यानी कि कीपैड वाले फ़ोन है तो उससे भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, जिसको कहते हैं फीचर फ़ोन। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक सर्विस लॉन्च किया है UPI 123 पे। इसकी मदद से आप बिना इंटरनेट के भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं फीचर फ़ोन। अगर आपके पास स्मार्टफोन है उससे भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी बात, ये जो प्रोसेस है UPI 123 पे, कीपैड वाले फ़ोन या स्मार्ट वाले फ़ोन दोनों में सेम प्रोसेस है, तो आप बिना इंटरनेट की मदद से किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। और ये खुशी की बात यह है, भारत के सभी भाषाओं में ये उपलब्ध है। आरबीआई ने ध्यान में रख के ये बनाया है कि अभी भी 40 करोड़ जो है फीचर फ़ोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसकी मदद से आपको ये लाभ मिलेगा। अगर घर में कोई भी फीचर फ़ोन यानी कि कीपैड वाला फ़ोन अगर इस्तेमाल करता है, उसको भी आप सिखा सकते हैं कि इस तरह से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रोसेस बताऊंगा, लाइव डेमो बताऊंगा किस तरह से आप कीपैड वाले फ़ोन से या स्मार्ट वाले फ़ोन से बिना इंटरनेट की मदद से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको IVR नंबर प्रोवाइड किया जाता है, उसी पे आप कॉल लगा के किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हम इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस एंड डिटेल बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो डिस्प्ले पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये IVR नंबर है, इन्हीं से सारा आप प्रोसेस एंड प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है ना, और जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, उसी मोबाइल नंबर से इस नंबर से आपको कॉल लगाना है। तो चलिए हम कॉल लगाते हैं। इस वीडियो में जिस तरह से प्रक्रिया बताया जाएगा, उसी तरह से आप अपने फ़ोन में सेम तरीके से कर सकते हैं। तो आप भी बिना इंटरनेट की मदद से किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। वेलकम टू सिटी यूनियन बैंक भीम वॉइस। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। आपकी पसंदीदा भाषा सेट कर दी गई है, हिंदी। अब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं। तो यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको 1 पे क्लिक करना पड़ेगा, तो 1 दबाएंगे। सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा और UPI रजिस्टर करना होगा। पुष्टि करने के लिए और अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए 1 दबाएं। तो यहाँ पे अकाउंट को UPI के साथ सेटअप करने के लिए आपको 1 पे क्लिक करना है, 1 दबाएं। वेट के बाद अपने बैंक का नाम बताएं जिसका आप इस सर्विस के लिए उपयोग करना चाहती हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो जिस भी बैंक में आपने खाता खोलाया है उस बैंक का नाम यहाँ पे बोलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बोल के आपको दिखा दिए हैं। आप सेटअप करना चाहती हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक हैं 07 के नाम पर मिथुन कुमार पंडित। कंफर्म करने के लिए कृपया 1 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपका UPI अकाउंट बना रही हूं। बहुत बढ़िया, आपका UPI अकाउंट बन चुका है। ऐसा लगता है कि इस बैंक खाते के लिए आपका UPI पिन पहले से ही सेट है। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपको बोला जाता है कि आपका UPI पिन सेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में कहीं पे UPI अकाउंट बनाए होंगे। अगर आपको बोला जाता है आपको UPI पिन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ATM कार्ड की डिटेल्स और अकाउंट डिटेल्स आपको साथ में रखनी है, यानी ATM कार्ड का नंबर आपको पता होनी चाहिए, के अकाउंट के ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी ईयर आपको पता होनी चाहिए, और उसी में ATM कार्ड के ऊपर भी लिखा रहता है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे इंटर रखेंगे, और जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे OTP भी आपसे मांगा जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा आप UPI पिन सेट कर सकते हैं, तो जो भी स्क्रीन पे बताया जाता है वो आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपका UPI पिन यहाँ पे बन जाए। अब आप UPI पिन बना लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपका भी सेम रहे। लेन देन जारी रखने के लिए 1 दबाएं। यदि
कृपया उस व्यक्ति का 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें जिन्हें आप पैसे भेजना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के वो जो मोबाइल नंबर आपको मिला है जिससे आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो UPI के साथ लिंक होनी चाहिए, यानी कि रजिस्टर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए, हमको ये मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर करना है, तो ये मोबाइल नंबर हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। वो राशि दर्ज करें जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप ट्रांसफर कर रहे हैं 500 रुपए मिथुन कुमार पंडित को। तो जितना भी आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं वो इंटर करेंगे, और जो भी मोबाइल नंबर उनके खाते से लिंक होगा उनका भी नाम बता दिया जाएगा कि आप इनके खाते में पैसा भेज रहे हैं, उनका नाम भी आपको बता दिया जाएगा। कृपया 4 अंकों का UPI पिन दर्ज करें आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक हैं 07। जो भी अकाउंट अभी आप UPI के साथ लिंक किए हैं उसका लास्ट का अकाउंट नंबर आपको 2 बताया जाएगा, उसी अकाउंट नंबर का आपको UPI पिन यहां पे इंटर करना है, इसके बाद आपका मनी ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपका ट्रांजैक्शन सफल रहा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ एक SMS आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। कृपया 1 दबाएं अन्य ट्रांजैक्शन करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 दबाएं। और आप यहां पे देख सकते हैं UPI ट्रांजैक्शन 500 रुपया और इसी नंबर पे मैं भेजा हूं। तो चलिए हम यहां पे पेटीएम पेमेंट बैंक्स में स्टेटमेंट देख लेते हैं, और आप यहां पे देख सकते हैं मनी सेंड मिथुन कुमार पंडित, यहां पे 500 रुपया पेड। तो चलिए हम यहां पे क्लिक करते हैं, और आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे पूरा डिटेल दिया गया है, और इसी नंबर पे मैंने भी भेजा, और आप यहां पे डेट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे IVR से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपको स्टेटमेंट भी दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैसेज भी मैं दिखा रहा हूँ। तो आप जिस भी मोबाइल नंबर पे भेजेंगे और उसका मोबाइल नंबर UPI से लिंक होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, तब ये आप यहाँ पे पैसा भेज सकते हैं।